अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। आज काफ़ी देर बाद मेरा कोई व्लॉग आने लगा है, तो बहुत देर हो गई थी, एक डेढ़ मेरे ख्याल से दो हफ्ते हो गए थे मेरे कोई व्लॉग नहीं था बनाया। मुझे तीन चार कमेंट्स भी आए थे कि भाई आपका व्लॉग नहीं आ रहा, अब्दुल्ला तुम्हारा व्लॉग नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई व्लॉग बना लें, तो मुझे कोई भी कॉन्टेंट नहीं था मिल रहा जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं था बना रहा। वैसे कोई और बात नहीं है, तो अब काफ़ी देर बाद मैं आज फिर व्लॉग बनाने लगा हूँ। आज मैं और सैलब फिर से हम दोनों करेंगे गोलगप्पा चैलेंज। और इंडिया में गोलगप्पे को पानी पूरी कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में गोलगप्पा ही कहते हैं। तो आज हम लोग चैलेंज करेंगे, देखेंगे इस चैलेंज में कौन जीतता है। तो बहुत मज़ा आएगा इस चैलेंज का। गोलगप्पे जो उनसे हैं वो लेकर आने हैं, और उसके बाद फिर जल्दी से इसका चैलेंज करते हैं। टाइम भी 10 बज गया, अब मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि गोलगप्पे खाने थे। अब इतने ज़्यादा गोलगप्पे कौन खाता, तो जल्दी से मैं गोलगप्पे लेने जाते हैं हम। और तो मैं शॉप पर पहुंच गया हूं, अब बस जल्दी से यहां से गोलगप्पे लेते हैं और सीधा कर जाते हैं। और मैं पहली दफ़ा बाहर व्लॉग बना रहा हूं, तो मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा है, लोगों को देखकर तो मैं शर्माने लग गया हूं। ये चमन फ्रूट चाट इसका नाम है, मेन चांदा किला चौक में ये शॉप है। बस यहाँ से गोलगप्पे लेकर और सीधा कर जाते हैं, उसके बाद मैं और जैनब इसका करेंगे चैलेंज। गोलगप्पे मैं लेकर आ गया हूँ, अब बस जल्दी से जैनब को ऊपर से बुलाता हूँ और अपना चैलेंज स्टार्ट करता हूँ। अभी गोलगप्पे जो होते हैं उनको फिल भी करना है, क्योंकि मैंने तीन दर्जने लिए थे, इसलिए उन्होंने मुझे बना कर लिए थे दिए, सारा मिक्सचर साथ दे दिया था। अब उसको जल्दी से बनाएंगे और फिर उसको फिर जल्दी से खाएँगे भी। और अभी मैंने गोलगप्पे लाकर अपनी आपी को दिया, मेरी आपी जल्दी से फिल करके उसके बाद हम नीचे टेबल पर बैठ कर खाएंगे, साथ ब्लॉग भी बनाएंगे और देखेंगे इस चैलेंज में कौन जीतता है। मुझे लगता है मैं ही जीतूंगा, जैनब तो छोटी है। और अभी मैं और जैनब बैठ गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, चैलेंज के लिए हम लोग दोनों तैयार है। अब बस जल्दी से अपने अपने गोलगप्पे और अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं और गोलगप्पों को फिनिश करते हैं। चलो जैनब खाना शुरू करो, और साथ ये प्लेट हम नीचे रख लेंगे ताकि जो उनसे इसके छींटे होंगे या वो हमारे कपड़ों पर ना गिरे, इस प्लेट के अंदर ही गिरे। चलो चलो जानी जल्दी, तुमने तो पहले ही खा लिया जानी, अब हंसी ना जाओ, सीरियस हो जाओ। बहुत देर बाद मैंने गोलगप्पे खाए और बहुत मजा आ रहा है, देखेंगे इस चैलेंज में कौन जीतता। दो तीन हफ्तों से मेरा कोई व्लॉग नहीं था, मैंने क्लास के लड़के कहते थे अब्दुल्ला तुम्हारा कोई व्लॉग नहीं आ रहा, बनाना छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं बनाऊंगा, तो आज मैंने हिम्मत करके व्लॉग बना ही लिया। और गोलगप्पे खाते ना, तो मैं आपसे एक बात करनी है, मेरे भाई बिलाल की ना तबीयत बहुत खराब है, उसका ना ये पट्ठा जो सा आता है वो खींचा गया, तो हमने शादी करनी थी उसकी, उसकी अब बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए उसकी थोड़ी शादी भी लेट हो गई है। हमने उसकी एंगेजमेंट की, उसके बाद अब हम लोगों ने दिसंबर में या जनवरी के स्टार्ट पर शादी कर देनी थी, लेकिन अभी तक की नहीं क्योंकि भाई की तबीयत नहीं ठीक। आप सब मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे भाई के लिए दुआ करें ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और हम उसकी शादी के मैं व्लॉग बनाऊं, और बहुत मजा आएगा क्योंकि 3 साल बाद हमारे घर कोई शादी आएगी। 3 साल पहले मेरी आपी की शादी हुई थी और अब मेरे भाई की होनी है, तो बहुत मजा आएगा। खानदान वाले भी कह रहे थे कि अब आपके घर तो शादी नहीं आ रही, जल्दी कर ले कुछ भाई बिलाल का ब्याह कर दे, तो अब जल्दी से बस दुआ है भाई बिलाल ठीक हो जाए फिर हम उसकी शादी करेंगे।
गोलगप्पे काफी मजे के हैं, अब इतनी देर खा रहे हैं मजा तो आना है। मेरी अम्मी उधर बैठी है सोफे पर और देखकर हंसी जा रही है। जहरी के थोड़े से रह गया मेरे ज्यादा, मैं बातें करता हूँ इसलिए मेरे ज्यादा। अब मैंने चुप करके खाएंगे तो आप तो बोर होंगे, इसकी वजह से आप लोग निकाल कर देखेंगे और मेरा वाच टाइम नहीं बनेगा। जहरी तो बस चुप करके खाई जा रही है खाई जा रही है, उसको तो पता ही नहीं ब्लॉग बन रहा है। अब शर्माती है इतना, मैं क्या करूं, मेरा मेरा तो काम है बोलना इसलिए मैंने तो बोलना। ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए, अब क्यों नहीं खाने चाहिए, ये गोलगप्पा खाकर मैं आपको बताता हूँ। ये प्लेट में खटियाई थी सारी नीचे गिर गई। अब हमारी सेहत इसलिए नहीं ठीक, मैंने बायो की बुक में पढ़ा था कि ऐसी खट्टी चीजें खाने से ना हमारे अंदर अमीनो एसिड पैदा होता है जिसकी वजह से हम पानी कम पीते हैं ज्यादा। कोई कुछ कुछ लोग ही होंगे जो दिन में 2.5 लीटर पानी पीते हैं, वैसे मैं इस पर अमल करता हूं लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं 1 लीटर पी पाता हूँ। सारे दिन में मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने आप लोगों की तरफ ध्यान दिया इसलिए ज्यादा जीत गया, वैसे जीत नहीं सकती। अच्छा, तो वो अमीनो एसिड खत्म करने के लिए हमारा जो सा दिल होता है वो पानी ज्यादा लेता है। अब पता नहीं हमारा कौन सा पार्ट है जो पानी ज्यादा लेता है, मुझे अब कंफर्म भी पता कि दिल है, जिसकी वजह से हमारा सारा पानी उधर चला जाता है और हमारे लिप्स जो से आप सर्दियों में गौर करते होंगे कि कुछ हो जाता है वो इसकी वजह से होते हैं। ये वजह थी। मुबारक हो जैनी, कभी मेरे तो 2 गोलगप्पे पड़े हुए हैं। मैं हर व्लॉग में जो सब व्लॉग में चैलेंज का बनाता हूँ, स्टार्टिंग में मैं कहता हूँ मैं ही जीतूंगा, बाद में कोई और जीत जाता है। सूफी बिरयानी में रुबाब जीती, बस स्पाइसी नूडल्स में मैं जीता था। अब इस बार भी बहुत मिर्ची है गाइस, बहुत मुश्किल से जाना था, ये मेरे ख्याल से दूसरी लाइन बोली अपनी। हमारे घर के ना सामने एक शख्स लगाता था गोलगप्पे, उसके बहुत मजे के होते थे लेकिन अब वो छोड़ ही गया। हम उसके गोलगप्पे पता नहीं गलती से क्यों मैं उल्टे सीधे लफ्ज बोल देता हूँ। अब मैंने उसके गोलगप्पे हम लोगों ने बहुत ज्यादा खाए थे। तो हो चुका है चैलेंज, ज़ैनब ने चैलेंज जीत लिया है। मैं आप सब के साथ बातें कर रहा था इसलिए मैं नहीं जीत पाया, तो मुझे तो बहुत मजा आया चैलेंज का, और ज़ैनब को तो आना ही आना था क्योंकि उसने फ्री के गोलगप्पे जो खाए। इसलिए इस दफ़ा मैंने कोई इनाम नहीं दिया क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। अभी मैं ऊपर हम टीवी पर हेडलाइन पढ़ रहा था कि मुबारक हो हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान की एक बेटी हुई है माशाल्लाह। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे तो अचानक ही ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज मैं तुम लोगों को खुशखबरी देता हूँ। तो सहाबा कराम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह कैसी खुशखबरी, हमें भी बताएं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जिस शख्स की तीन बेटियां हुई और वो शख्स जन्नती होगा। तो एक सहाबी वहां बैठा था तो उसने कहा या रसूलल्लाह मेरी तो 2 है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके लिए भी खुशखबरी है जिसकी 2 बेटियां हुई और उसने अच्छी तरह उनकी तरबियत करके उनको ब्याह दिया तो वो भी जन्नती होगा।
तो अब मोहम्मद रिजवान की तीन बेटियां हैं, अब अगर मोहम्मद रिजवान ने उनकी अच्छी तरबियत करके उनको ब्याह दिया तो अब मोहम्मद रिजवान भी जद्दी होगा। तो उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी दिल करे। भाई और बहन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, और अपना सबका ख्याल रखिए।